हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका काइट क्रेजी जोन में। तो दोस्तों, आज की वीडियो ये जो होगी ये है प्लास्टिक मांजे को कैसे काटना है उसके ऊपर। प्लास्टिक मांजा वही है जो प्लास्टिक थ्रेड, चाइनीज़ मांजा भी बोलते हैं हम इसको, नायलॉन का वाला मांजा भी कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कैसे काटते हैं। तो ये देखिए, ये दो पतंग हैं, मेरी पतंग ये ब्लू वाले में है और रेड वाले में अपोनेंट की पतंग है। तो ये अपोनेंट ना मेरे को पतंग बढ़ाने नहीं दी, तो मेरे हाथ में मांजा ही था इसलिए मेरी पतंग इसमें कट गई थी। तो इसमें देखिए कैसे पेचा हुआ था, ये बस पतंग काटने के लिए घुसे जा रहा था। ये कोई पेच बनाना नहीं, कुछ नहीं। तो ये पूरी कोशिश कर रहा था कि बस फंसा के काट दे किसी तरह इसमें, जबकि मेरी सिचुएशन बहुत अच्छी बन गई थी। ये देखिए, मैं अंदर चला गया, बस मैंने यहाँ पतंग खड़ी कर दी और इसने खींच लिया। ये देखो स्लो मोशन में, मैंने यहाँ पर अगर खींच दी होती तो मैं इसका पेचा आराम से काट देता। बस ये छोटी मोटी जो थोड़ी सी मिस्टेक्स होती हैं, क्योंकि मेरे हाथ में मांजा था और मैं इसमें कुछ कर नहीं पाया। अब इस वाले पेच में आप ये देखिए कि कैसे बंदे को प्लास्टिक मांजे को चक्कर दे के काटते हैं। क्योंकि अगर आपकी पतंग खड़ी है और भारी है और दूसरा बंदा आपकी पतंग के नीचे घुसा देता है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ पतंग को चक्कर देना है और हैवी रखनी है और उसकी पतंग कट जाएगी। तो इस केस में देखिए, ये नीचे वाली पतंग मेरी है और ऊपर पतंग अपोनेंट की है। तो ये अभी दिखा देता हूँ कि कौन सी पतंग किसकी है। ये देखिए, नीली वाली मेरी, रेड वाली अपोनेंट की। अब देखना है कैसे अंदर घुसेगा नीचे से। और मैंने इसे चक्कर पे रख दिया बस पतंग को, और ये देखिए छूते ही उसकी पतंग कट गई। समझ में नहीं आया कि चाइनीज़ मांजा कटा कि क्या कटा। ये देखिए स्लो मोशन में, इसने अंदर डाली और मेरी पतंग घूम रही है, हैवी थी, इसकी पतंग छूते ही कट गई। ऐसा लगा जैसे सद्दी कट गई हो। तो ऐसा नहीं है कि चाइनीज़ मांजा कटता नहीं है, काटने की टेक्निक चाहिए। तो अब नेक्स्ट पेज देखना, नेक्स्ट पेज बहुत अच्छा बना था। तो अभी दिखाता हूँ नेक्स्ट पेज। ये देखिए नेक्स्ट पेज आ गया, इसमें मेरी पतंग नीचे से लड़ेगी, उसकी पतंग ऊपर से आएगी। ये देखिए मेरी चरखड़ी भी दिख गई, मैं यहीं से उड़ा रहा हूँ, बिल्कुल मेरे पास से कैमरा है। ये मेरी पतंग है, आप देखिए वो पतंग अपनी रेडी रखता है ऊपर। जैसी मेरी पतंग बढ़ती है बस नीचे लाके काटने की कोशिश करता है, बट मज़ा बहुत आता है क्योंकि चैलेंज होता है प्लास्टिक के धागे को काटना है। तो मैं इसमें C28 से उड़ा रहा था पतंग। तो ये देखिए वो बंदा अब ऊपर से आ जाएगा। अब मैं आपको पतंग दिखा देता हूँ कौन सी किसकी है। ये देखिए अपोनेंट की पतंग ऊपर से लड़ेगी और मेरी पतंग ब्लू कलर में है वो नीचे से लड़ेगी। तो देखो ये पतंग ऊपर ले आया, मैं नीचे ले गया, वो अंदर घुस रहा था तो मैंने बचाई पहले, फिर उसने और अंदर लिया तो मैं इसको रुख दिखाने लगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ और उसने पतंग अचानक रोक ली अपनी और मैंने ये क्रॉस में खींच मार के उसकी पतंग काट दी। ये देखिए स्लो मोशन में, वो दे मैं अंदर जा रहा हूँ, मैं रुख दे रहा था पर उसने फिर पतंग खड़ी करके रोक दी। ये देखना अभी पतंग रोक लेगा यहाँ पे आके, अगर यहाँ पे क्रॉस खींच मार देता मैं श्योरली कट जाता, बट इसने यहाँ पे रोक ली और मैंने एक क्रॉस खींच मार के इसकी पतंग काट दी। ये बहुत अच्छा पेच लगा था मेरे को, ये टेक्निकली बहुत करेक्ट पेच था और उस बंदे की श्योर शॉट कटनी थी इसमें, बट इसमें बड़ी खुशी हुई। चाइना थ्रेड को काटने में, प्लास्टिक के थ्रेड को काटने में कुछ अलग ही खुशी होती है। ये देखिए नेक्स्ट पेच आ गया, इसमें काफ़ी अच्छी बढ़ गई थी पतंग और फिर पेचे हुए थे हमारे। ये देखिए अभी मैं पतंग दिखा देता हूँ, मेरी ब्लू कलर में नीचे से लड़ेगी और उसकी रेड कलर में ऊपर से लड़ेगी। तो इसमें ये बात थी कि आप पतंग ढील से कैसे काटें, हमेशा बंदे के कन्ने पे रख दो और ढील दे दो, और अगर अच्छी हवा हो तो पतंग आपकी भारी है तो आप उसकी पतंग काट दोगे। तो इसमें दिखाता हूँ कैसे हुआ था पेच। देखिए मैं गया नीचे से, वो बंदा नीचे ला रहा था, मैं अंदर घुसा, ये बंदा पूरा नीचे ले आया, मैं अंदर लाया और कन्नों पर मैंने रख दिया और ये यहाँ पर बस थोड़ी सी ढील दी और उसकी पतंग वहीं बोल गई, कटती हुई लहराती हुई चली गई। ये देखिए स्लो मोशन में कि मेरी पतंग नीचे से घुस गई और
बिल्कुल हवा में चली गई, और यहाँ पे इसने मैं थोड़ा सा ढील दिया और उसकी पतंग गई। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे तक था, इतने पेच इसलिए क्योंकि ये सारे चाइना वाले मांजे के थे, इसीलिए मैंने रिकॉर्ड कर रहे थे। बाकी पेचों के लिए मैं काम करता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय दोस्तों।